दिया 2:43 पर मिशन चंद्रयान चंद्रयान 2 हैशटैग इंडिया मून मिशन लगातार सुबह से आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। नए भारत की नई उड़ान, भारत की आन बान और शान, भारत का स्वाभिमान, तैयार है हमारा शक्तिमान यानी कि बाहुबली जीएसएलवी MK3 Mark 3। बस कुछ घंटे का और इंतजार है, भारत इतिहास लिखने जा रहा है। करीब 11 साल बाद करीब 1,00,000 घंटे की मेहनत से बना चंद्रयान 2 अपने सफर पर बस निकलने वाला है। चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन जिस पर ना सिर्फ भारत के लोगों की निगाहें टिकी बल्कि दुनिया भी भारत के इस मिशन पर नजरें लगाए बैठी है। जब चांद पर रोवर उतरेगा तो वह ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा सदन साइड पर। बिल्कुल, आपको बता दें चौथा देश जो सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है, पहला देश जो साउथ पोल पर उतरने जा रहा है और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं कर पाया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ भारत चांद पर चंद्रयान 2 भेज रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी गोला बारूद और मोर्टार में उलझा हुआ है। खाने को पैसा नहीं है लेकिन गोले बारूद पर खर्च करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें जारी रखी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक तरफ भारत के लिए कहां गर्व का दिन है, हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, वहीं पाकिस्तान के लिए कैसे देखिए शर्म का दिन है। एक तरफ वो वहां मोर्टार गिरा रहा है, दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री जो कि पहुंचे अमेरिका, वहां कोई पूछने वाला नहीं है और उनकी खुद की सभा में कैसे नारेबाजी हो रही थी, कैसे हूटिंग हो रही थी। और ये तब है जब दो मुल्क एक साथ सफर शुरू करते हैं और एक मुल्क जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन की अपनी मुहिम में पहुंच जाता है तो वो कैसे बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है, वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से है। ठीक है, तो लगातार एक तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा दें। रवि गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, सचिन भामा हमारे साथ ही हैं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें बलदेव डावर साहब ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रमेश शिशु हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव नयन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मून सेंटर लिए चलते हैं आपको, वहां पर विशाल है। जी हाँ, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, अब तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं क्योंकि करीब 2.5 घंटे का वक्त और बचा है जब भारत ऐतिहासिक चंद्रयान 2 को लॉन्च करेगा। 15 जुलाई जब लॉन्च नहीं हो पाया था, 56 मिनट पहले इस लॉन्चिंग को रोक दिया गया था, लेकिन आज तैयारी पूरी है और आज भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है। किस तरह से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का रोल रहने वाला है, इससे हम क्या हासिल करेंगे, क्यों हम कह रहे हैं कि साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश है, साउथ पोल को क्यों चुना गया, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन तैयारी इस वक्त सतीश धवन स्पेस सेंटर में करीब करीब पूरी हो गई है और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं मिशन चंद्रयान 2 के अलावा और कौन कौन से मिशन आने वाले दिनों में होने वाले हैं, यानी कि भारत का परचम किस तरह से अंतरिक्ष में लहराने वाला है, यह भी आपको बता देते हैं। मिशन गगनयान 2021 तक पूरा हो जाएगा, यह पहला देसी मिशन होगा जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजने का कार्यक्रम इसरो के द्वारा किया जाएगा। भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, लेकिन यह कितनी बड़ी चुनौती है और इस मिशन से किस तरह से फायदा होगा आपको बताते हैं। इस मिशन का मकसद क्या है, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान की, पहले चंद्रयान की बात और फिर उन तमाम प्रोजेक्ट्स की बात जो भविष्य में होंगे। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर पानी और बर्फ के बारे में पता लगाएगा, चंद्रमा का मौसम कैसा है इसका अध्ययन भी चंद्रयान 2 के जरिए किया जाएगा, चंद्रमा की सतह में मौजूद खनिजों और रासायनिक तत्वों का भी अध्ययन करके उसकी जानकारी भेजी जाएगी इस चंद्रयान के द्वारा, हम ये हासिल करेंगे। चंद्र के बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाएगा, चंद्रमा पर रहने की संभावना कितनी है, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है इस वक्त, उसका भी पता लगाया जाएगा। कुल मिलाकर मिशन चंद्रयान 2 काफी मुश्किल भरा मिशन होगा और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 15 जुलाई को एक बहुत बड़ा फैसला था जो 56 मिनट पहले लिया गया कि लॉन्चिंग को टाल दिया जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई खामी है उसे दुरुस्त किया जाए और फिर इस कोशिश को दोबारा किया जाए। इसरो अपने 100% सफल होने के रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहता है। एक बार फिर से रोक कर लेते हैं अमन और सचिन का और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाते हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और अब से कुछ घंटों के भीतर कैसे ये लॉन्चिंग होने जा रही है। ट्वीट किया है, एक बार मैं बता देता हूँ, ये ट्वीट इसरो की तरफ से किया गया है, फिलिंग ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन फॉर द क्रायोजेनिक स्टेज, मतलब लिक्विड हाइड्रोजन भरने की जो काम है वो शुरू हो गया। पिछली बार जहाँ पर रुका था शायद वो स्टेज वही स्टेज है ना, ये शुरू हो गया। बिल्कुल वही स्टेज आ रही है जहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन अब भरे हैं
और लिक्विड हाइड्रोजन भरना जो है अब वो पूरी तरह से हमारा यान रेडी है, क्योंकि ये फाइनल फ्यूल था जो डालना था। जब यहां से चलेगा तो सॉलिड रॉकेट बूस्टर उसको लेकर के जाएंगे और ये सारा खेल केवल 16 मिनट में खत्म होना है, क्योंकि 16 मिनट के बाद जो भी उसके फर्स्ट और सेकंड इंजन है वो अलग हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ यही जो इंजन अब फाइनली भरा जा रहा है यही इसको मंगल तक लेके जाने वाला है। तो ये क्रायोजेनिक स्टेज यानी सब जीरो बहुत लो टेम्परेचर वाली जो स्टेज, ताकि हाइड्रोजन और लिक्विड हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ उनको खुले में रूम टेम्परेचर में छोड़ दूंगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको बहुत कम टेम्परेचर में रखा जाता है, -160 डिग्री से लेकर -212 डिग्री तक के टेम्परेचर में। तो वो जो स्टेज है वो पूरी कर ली गई है और यही इसी स्टेज में जाकर के, क्योंकि आप समझेंगे कि पीएसएलवी के रहते हुए सॉलिड रॉकेट बूस्टर हमारे लिए ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम पिछले 16-20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विड जो स्टेज में भी किया जी, लिक्विड स्टेज भी हम ऑलरेडी अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। ये क्रायोजेनिक स्टेज ही है जो हमने अभी अभी एक्वायर की है और इसकी वजह से जो कुछ भी हमें अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, धड़कने तेज होने का वक्त है वो एग्जैक्टली अब शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है। तो आप यकीन मानिए रमेश शिशु, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इस चीज का जिक्र किया था, वो लोग जिन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि यहां से काउंटडाउन चल रहा है, 12:12 हुए हैं, 2:43 पर ये चंद्रयान 2 जो है इसकी लॉन्चिंग है। जिन लोगों ने अब यहां से किया है, एक तरफ वो 15 तारीख की डेट थी जिस हमने कहा कि वो जो भी ग्लिच आया जहां से वो डिले हुआ, और एक आज की तारीख है उसमें और अब में क्या फर्क आया, और अब से लेकर के सर 2:43 तक क्या कुछ होने वाला है, एक आम आदमी की भाषा में अगर आपसे समझना चाहें सर। देखिये ये आपने ठीक सवाल पूछा है, क्योंकि ये 2-2.5 घंटे काफी क्रूशल है हमारे लिए। ये फ्यूलिंग के बाद में ये अपना लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, जैसा कि बताया ये क्रायोजेनिक साइंस, लो टेम्परेचर के में क्या बिहेवियर होता है मटेरियल का वो क्रायोजेनिक बोलती है आम भाषा में। लोअर टेम्परेचर पर हमारे सारे सब्सटेंस है, सारे मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं वो हमारी क्रायोजेनिक साइंस है। ये भरने के बाद में होता क्या है कि ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर फिनोमेना है। आम भाषा में मैं कहूं आपका लिक्विड, जितना ज्यादा लिक्विड आप लेके जाएंगे उतना वजन बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज्यादा आपको ताकत चाहिए ऊपर ले जाने में। तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप हाई प्रेशर में इसको स्टोर करें और लो टेम्परेचर में करें तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। दोनों चीजें अगर आप साइंस के प्रिंसिपल से जाएंगे, मैं आम भाषा में बताता हूं, तो वॉल्यूम हमको कम करना है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम करने के बाद में वेट हमारा कम होगा, जगह हमको कम चाहिएगी, क्योंकि हमारा यान उतना छोटा होता चला जाएगा। क्रायोजेनिक साइंस की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, हमारे पास नहीं थी 20 साल पहले, दुनिया में भी बहुत कम जगह थी। हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की करीब 20-22 साल पहले कि हमको ये साइंस की टेक्नोलॉजी दी जाए। होता क्या था उस टाइम पे, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिसाइल से रिलेटेड है, तो वार का फिनोमेना देखते हुए कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं था। तब हमारे हिंदुस्तान ने स्वदेशी पैजामा पहन के, जामा पहन के ये बोला हम करेंगे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। वो उन्होंने हमने फिर 20 साल में तैयार किए, अमेरिका ने हमको मना कर दिया था वायर की वजह से। तो अभी हम देखेंगे ये कि इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, लीकेज बड़ी प्रॉब्लम। वो स्टेज भी आएगी जब भारत भी मना करेगा, वैसे नहीं हमारा विजन मैं आपको बताऊं, हमेशा शेयर ही करते रहे, हम शेयर करते हैं, हम हमारा विजन ही दूसरा हमारा शेयर करते हैं, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का है। लेकिन अभी जिसका जिक्र अभी द्विवेदी जी कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा है, अब होड़ सी लग गई है, अभी 24 में अमेरिका, उसके बाद मानव चीन, मेरे ख्याल से होड़ सी लगेगी अब स्पेस वॉरफेयर की भी बात की जाती है ना सर। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं कि प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हमारी टेंडेंसी हमेशा रही है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं सबको लेकर के, सबको लेकर, जहां रोकने की जरूरत होगी, रुकने की जरूरत होगी, हम रुक लेंगे। किस किस के साथ हमें नहीं जाना है, किस किस के साथ जाना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको बहुत रोकने की कोशिश हुई, हमको बहुत रोकने की, सिर्फ रशिया ने रोवर हम देना था वो नहीं दिया, ये सारी चीजें। लेकिन वक्त भी तो बदला है ना, लेकिन वक्त भी तो बदला है ना। अब कम से कम अब अगर अमेरिका चुप बैठा है, वरना अब तक तो कब की सेंशंस की वो बात कर रहा होता, आप यकीन मानिए, या फिर अगर चाइना चुप बैठा है, चाइना लॉबिंग कर रहा होता कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये डिस्ट्रक्शन टेक्निक नहीं है जो आपने कहा कि क्रायोजेनिक सिर्फ वॉर के लिए नहीं है, ये टेक्निक जो है यहां पर इकोनॉमी के लिए, ये टेक्निक जो है आपके अपने विकास के लिए और आने वाले एक अल्टरनेट जैसे कहते हैं तरक्की के लिए। बड़ी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी है ये क्रायोजेनिक साइंस जो है। मैं थोड़ा ऐड कर दूं, चुप नहीं बैठे हैं वो, चुप नहीं बैठे हैं, मैं भी वही कहने वाला था सचिन, जो भी आप बता रहे थे ना 15 मिनट, इस वक्त चारों देश वो मून पे लगाए बैठे होंगे कि कब ये जो है दिक्कत आए, और वो चारों देश
अपने उनकी जो पॉलिटिकल सरकारें हैं वो चारों देश अपने साइंटिस्ट से पूछ रहे हैं कि हम चांद पे क्यों नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली दोबारा सबका फोकस चांद पे आ गया है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने इस मिशन से जो उपलब्धि हम ले लेंगे ये पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि हम लोग एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज पे पहुंच जाएंगे, वहां से नेटवर्क्स, वहां से भेजी हुई जो साइंस हम करेंगे वो साइंस अब सबके लिए पहली बार मिलने वाली है। मैं एक बात और ऐड कर दूं कि टेक्नोलॉजी कोई देश किसी देश को ना दे ये तो पॉसिबल अभी भी है और शायद भारत को भी यही करना चाहिए और यही करेगा, लेकिन विज्ञान यानी जो साइंस हमें मिलती है वो सारे नेशन शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी शेयर करने में सभी को दिक्कत रहती है। अच्छे से समझा रहे थे ब्रेक के दौरान, भी आप बता रहे थे सर कि कैसे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और होड़ लग गई है। देखो पॉइंट ये है कि एक तरफ तो ये वैज्ञानिक उपलब्धि है, दूसरी तरफ इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। स्पेस में चार चीजें बहुत जरूरी है, एक सर्विलेंस के भाई कैसे सर्विलेंस हो रहा है, कम्युनिकेशन हमारी सारी कम्युनिकेशन स्पेस से हो रही है, नेविगेशन और रिसोर्सेज जैसे कि हीलियम का रिसोर्सेज है, तो इन सभी चीजों के लिए एक अहमियत बनी है। दूसरी जब हमने चांद के आगे जाना है तो वहां स्टेशन बना रहे हैं, एक इंटेलिजेंस स्टेशन होगा जहां से मार्स की एक्सप्लोरेशन करेंगे। और आप ये देखोगे चीन ने ये भाई एक उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है कि 2035 तक वो कुछ लोग चांद पर बिठाएंगे, स्टेशन कर देंगे, स्टेशन कॉलोनी बसाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे, प्रतिस्पर्धा होगी ना। तो इसके लिए क्या है कि अभी एक सम की ये होड़ लग गई है, होड़ लग गई कि चांद पर पहले अपने कदम कौन जमाएगा, कौन झंडा लहराएगा और कौन अपना स्टेशन बनाएगा। तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत होगी है। राजीव नयन जी, और रास्ता भारत दिखा रहा है, अगर होड़ लगी है पूरी दुनिया चांद की तरफ बढ़ रही है लेकिन रास्ता भारत ही दिखा रहा है ना राजीव नयन जी? निश्चित ही देखिए 1992 में इसी भारत को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था क्योंकि इसने रूस से क्रायोजेनिक इंजन लिया था, टेक्नोलॉजी ली थी और हमें उसने एक नए भारत को एक नए रास्ते पर और एक नए चरण में प्रवेश करने को मजबूर कर दिया। हमें प्रतीत हो गया कि टेक्नोलॉजी हमें अपने से विकसित करनी है और आप सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि यह क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में हमारी एमएसएमई ने भी बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है और यह निश्चित ही देश का गौरव है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें एक भूमिका निभाई है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने इस पर काफी काम किया है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब विशेष करके हम स्पेस के क्षेत्र में कहें आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी बात चल रही थी क्या भारत डिनाई करेगा, क्या भारत किसी को देगा मैनकाइंड का। देखिए हमें कहीं ना कहीं एक सामंजस्य रखना पड़ेगा, हमारी खुद की जो नीति भी कही है और कुछ कानून भी कही है, जो हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम जो हमने उसकी मेंबरशिप ले ली है और उस लेने के बाद हमारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई है। हम ऐसे किसी राष्ट्र को इस तरह की उन्नत तकनीकी नहीं देंगे जो इसका मिसयूज करेंगे, लेकिन जो चंद्रयान 2 मिशन का पूरा जो वन ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव्स है वह है कि हम मानवता के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे अभी किसी ने बात कही वसुधैव कुटुंबकम, तो हम जो मिशन से जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, कई तरह के ज्ञान हम अर्जित करने जा रहे हैं। जो अभी बात हो रही थी सदर्न पोल में पहली बार भारत पहुंच रहा है, सदर्न पोल में कोल्ड ट्रैप है, उस कोल्ड ट्रैप के माध्यम से आप न केवल मून जिस जहां की हम जा रहे हैं चंद्रमा का इतिहास, चंद्रमा का किस तरह से विकसित हुआ, चंद्रमा का किस तरह से निर्माण हुआ उसके बारे में जानेंगे, वरन इसके साथ साथ आप पृथ्वी के बारे में भी जानेंगे, मानव इतिहास के बारे में आपको काफी ज्ञान मिलेगा और इस ज्ञान से हम कई कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां मिनरल्स काफी मिलने की संभावना है, आगे से ही कुछ जो चंद्रयान 1 में हमने कुछ जाना, कुछ दूसरी दुनिया से के जो उनका एक्सप्लोरेशन हुआ था उससे जाना, वहां मैग्नीशियम है और जब हम होड़ में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ राष्ट्र वहां पर अपना कल को अपना आधिपत्य बनाने जा रहे हैं चूंकि वो वहां पहले से पहुंचे हुए हैं तो भारत ने भी उन्हें बता दिया कि हम भी पहुंच गए हैं। अगर कभी भी जैसे आम लैंग्वेज में कहते हैं ना नयन साहब कि चांद कोई अमेरिका की या फिर ये जो 2-3-4 विकसित मुल्क है उनकी बपौती थोड़ना है,
कि अगर हमारे पास अगर सिर्फ वो जा सकते हैं या फिर वो अपनी बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। और हमारा तो मिशन साफ स्पष्ट ही है, जो हमारा मोटिव है, जो हमने बताया कि कैसे उसकी डेवलपमेंट के लिए, कैसे मानव तरक्की के लिए, और हीलियम एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और हीलियम की इतनी महत्ता क्यों, क्यों हीलियम पर इतनी बात हो रही है, ये मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, उसके तुरंत बाद वापस आते हैं।